14 साल हो गए हैं, और इन 14 सालों में मैंने कम से कम 10 प्रोग्राम तो अटेंड किए, और इनकी ये जो शो है बिल्कुल अनोखा शो है। हमारे घाटी साहब जो करते हैं बिल्कुल अनोखा शो है। हमारे सपोर्टर इनके इनकी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता, लक्कू भाई यहाँ जो बैठे हुए, और वो हमेशा मुझे वही बुलाते हैं। ये शो में एक बिल्कुल डिफरेंट शो है। इस शो में उन म्यूजिशियनों को याद किया जाता है जिनको कोई जानते नहीं, लेकिन मतलब जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं, जिन्होंने बजाया है। जितने भी बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स हैं उनमें जो म्यूजिशियंस बजाते हैं, सितारिस्ट ले लें आप, गिटारिस्ट ले लें, एकॉर्डियन प्लेयर ले लें, और रिदम वाले तबला प्लेयर ले लें आप, कोई छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो खास आर डी बर्मन जी ने इस्तेमाल किए हैं, कई इंस्ट्रूमेंट, उन सबको बुला कर के उनका सम्मान किया जाता है इस शो में। ये खूबी है। और जितने रिकॉर्डिंग वाले आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशंस, उनको बुलाया जाता है, वो जो ओरिजिनल जिन्होंने बजाया है वो उनको बुला करके उनका ऑर्केस्ट्रा होता है। घाटी साहब जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से उनको इकट्ठा करके ये शो पेश करते हैं, और हम चंद लोग होते हैं और शो को एंजॉय करते हैं हम लोग। और उनका सम्मान में जो है, आज जैसे गौरव जी को बुलाया गया, शशांक जी ना, शशिकांत जी हमारे प्यारे भाई, बड़े भाई शशिकांत जी, वो तो नहीं रहे लेकिन उनकी मिसेस को बुलाया गया है यहाँ पे, और उनका आज सम्मान करेंगे। और हमारे जावेद मियाँ हैं वो गाएंगे, और सभी म्यूजिशंस ग्रेट लोग हैं। और ये ऐसा शो इंडिया में बस यही करते हैं और कोई नहीं। मैं दिल वाले में था ना, अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है, गोलमाल 4 आ रही है ना, और फिर हमने बहुत काम किया टाइम पे, 1992-2000 तक, 2000 तक मैं हर फिल्मों में नज़र आता था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गैप, वो नेचुरल ब्रेक भी आ गया, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ही करता रहूँगा क्या? एक ब्रेक होता है, लोग कहते हैं ना टीवी पे मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर आ रहा हूँ, आया हूँ धीरे धीरे, थोड़े थोड़े अच्छे रोल होता है तो करता हूँ। लाइव कॉन्सर्ट चल रहे हैं, मेरे शो चल रहे हैं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट है। तो लाइव है ना, लोगों के सामने, पिक्चर में क्या है कि पर्दा है, कोई पर्दा फाड़ने नहीं जाएगा, यहाँ तो अंडे टमाटर पड़ते हैं, रोकड़े का धंधा है, बिल्कुल रोकड़ा धंधा है ना। तो लाइव शो अलग है, वो मैं करता आया हूँ, और उसी से मेरा करियर शुरू हुआ है, तो वो अभी फिर से कर रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं उस शो को। थैंक यू।